बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस 7 के विनर गौहर खान ने इस्लाम में रमजान में रोजा रखने के बारे में आपत्तिजनक कमेंट करने पर जस्टिन और हेली बीबर को लताड़ा है। गौहर के इस बयान का कई लोग तो समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग गौहर को बेफालतू की नसीहत देना कह रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हाल ही में हॉलीवुड के दिग्गज सिंगर जस्टिन बीबर और हेली बीबर ने रमजान में रोजा के उपवास के बारे में सेंसिटिव कमेंट किया है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जस्टिन और हेली उपवास के पहलू पर हंसते हुए पकड़े गए और दावा किया कि यह आपके शरीर को पोषण से दूर करता है। इसी क्रम में गौहर खान ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया और इसके कैप्शन में लिखा कि यह साबित करता है कि वह कितने मूर्ख है, बशर्ते उन्हें इसके पीछे के साइंस के बारे में पता हो और इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। कहीं से ज्ञान ले जस्टिन बीबर और हेली बीबर, एक राय होना ठीक है BTW, लेकिन इतना समझदार बनो कि सही ढंग से लोगों को बता सके। बता दें कि एक इंटरव्यू में जस्टिन बीबर ने कहा, मुझे वाकई में इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे शरीर को बेहतर तरीके से काम करने के लिए एनर्जी और पोषण की जरूरत होती है, जो उपवास से नहीं मिल सकता है। हेली ने यह भी खुलासा किया है कि उपवास रखना कभी भी उनकी समझ में नहीं आया है। हेली ने आगे कहा कि अगर आप एक बार को टीवी बंद करना चाहते हो या फिर अपने फोन को फास्ट करना चाहते हो तो वो मुझे फिर भी ठीक लगता है और समझ में भी आता है, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर उपवास करना मेरी समझ में नहीं आता है। हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वह बिना खाना खाए कैसे मिल सकता है, यह मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।